हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक्स टीम्स। ब्राजीलियन सीरिया लीग का मैच हो रहा है एटलेटिको मिनारियो वर्सेस बोटाफोगो के बीच सुबह 6 बजे, एंड बड़ा अच्छा मैच है। मतलब देखा जाए तो पॉइंट टेबल्स के पूरे टॉप पे बीओटीएफ टीम है जो पहले नंबर पे है। एटलेटिको मिनारियो जो बहुत नीचे चल रही है, वैसे इतने नीचे नहीं रहती। इस टीम ने लास्ट 4-5 मैच से एक भी मैच नहीं जीता, और सबसे बड़ी बात तो ये, लास्ट 4 मैच में एटलेटिको मिनारियो ने गोल तक नहीं किया। तो मिनारियो टीम एक बहुत वीक, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार टाइम से गुजर रही है ये टीम। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं। रात की टीम मेरे भाई ओपन आती है यहाँ पे, फुटबॉल की एक आधी टीम जो कि मैं बहुत दिल से ओपन देता हूँ आप लोगों के लिए, वो भी मैच से 10 मिनट पहले, कि आप आराम से लगा पाए। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। और इस मैच के बाद सीधा 12 घंटे बाद शाम को मैच होगा, उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे। तो आगे चलते हैं, बोटाफोगो के फेवर में है हम। तो बोटाफोगो एक बहुत नाइस टीम है, ये टीम अभी सीज़न में 55 गोल आराम से कर चुकी है, और आज मुझे लग रहा है 55 क्रॉस आराम से हो जाएंगे। तो स्ट्राइकिंग की बात करें तो एल हेनरिक ने मेरा दिल जीता हुआ है। एल हेनरिक के ना अभी पीछे इंटरनेशनल मैच चल रहे थे, तो इंटरनेशनल मैच थे, अब वो ना ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो नेशंस लीग हो गई, अफ्रीकन लीग हो गई, तो अब उनकी जगह पर डोमेस्टिक लीग दोबारा चालू होगी। तो उसमें क्या था कि इन्होंने जैसे आईजीसस एंड इनमें कंपैरिजन करूँ तो हेनरिक को इन्होंने इंटरनेशनल के लिए नहीं भेजा। तो हो सकता है आज एल हेनरिक खेलता नज़र आए, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं लिटिल बिट श्योर ज़रूर हूँ। उसके बाद टी सोर्स की बात करें तो देखिए, सोर्स फिट है, सेंटोस इनकी टीम में बहुत दिनों से नहीं खेल रहा, बट मेरे सुनने में आया कि ये आज खेल सकता है एज अ सब्स्टिट्यूट। लेकिन प्लेइंग 11 की बात करूँ तो वो जीसस ही है, तो जीसस को आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद हल्क की बात करें, देखिए हल्क फिट हो गया, डेवर्सन फिट हो गया। डेवर्सन एक बहुत बड़ी इंजरी के बाद आया है, बहुत लंबी इंजरी, बहुत महीनों की इंजरी हम बोल सकते हैं। बीच में फिट हुआ था फिर इंजर्ड हो गया, तो 14 नवंबर को दिखाइए उस मैच में 90 मिनट खेला था, एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लगाया। सिलेक्शन भी कम थी, मैंने लिया था बट मैं पछता रहा हूँ लिया क्यों था, तो मैं हल्के साथ जा रहा हूँ इस मैच में। और मिडफील्डिंग की बात करें, शेवरिनो इज़ मेन, शेवरिनो लिटरली बहुत मेन है। उसके बाद लोग ना जी सिल्वा से अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों होते हैं, उसके पॉइंट बड़े ज़्यादा है ना, 234, और लोगों को लगता है पिछले मैच में भी गोल कर गया तो कि अच्छा कर जाएगा, लेकिन आप गलत फहमी में हो, ये बहुत ही लिमिटेशंस वाला प्लेयर है। और फिटस भी बहुत लिमिट में खेलता है, मैं ये नहीं कह रहा आज अपनी फिटस अपनी पे आ जाए तो बिना गोल करे 30-35 पॉइंट दे जाए अपने गेम प्ले से, लेकिन हमें गोल का लालच है हम सबको, इसलिए मैं आपको कहूँगा अगर आपको भी गोल का थोड़ा बहुत ग्रीड है तो आप थियागो अल्माडा के साथ जाओ। मैं इसके साथ जा रहा हूँ क्योंकि अल्माडा जो खेल सकता है वो सिल्वा एंड फिटस नहीं खेल सकते, ये तो मैं श्योर हूँ। उसके बाद मिनारियो में पोलिनो फिलो का फ्लॉप होना बहुत दर्द देता है मुझे यार, ये चीज़ जब फिलो को मैं फ्लॉप होता देखता हूँ। मेरी नज़र का सबसे बेहतरीन मिडफील्डर है ये, इस लीग का, लीग नहीं कह सकते, इस टीम का। और स्कार्पा की बात करें तो स्कार्पा भी बहुत कॉमन है, पता नहीं क्यों नहीं चल रही मिनारियो टीम, इतनी अच्छी टीम है यार, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है, हल्क है, डी सिल्वा है इनकी टीम में, फिलो है जो कि पहले स्ट्राइकर था, स्कार्पा है, समझ नहीं आ रहा। डिफेंडिंग की बात करें, एलेक्स चैलिस खेलेगा, एलेक्स चैलिस पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत ईयर्स खेला है, लगभग दो साल, और एलेक्स टैलिस अब यहाँ पे आ गया और यहाँ पर प्राइमरी डिफेंडर बन गया, वहाँ पर फोर्थ डिफेंडर था, तो टैलिस पक्का चलेगा। बेस्टोस को लो, थर्ड डिफेंडिंग पे है वी अलेक्जेंडर, बट वी अलेक्जेंडर की जगह यू हैव टू टेक ए बारबोसा, अगर बारबोसा नहीं खेला तो आपने लेना है क्यूबैनो, ठीक है। और बात करें गोल कीपिंग की, देन यू कैन गो विद मेंडिस, आप मेंडिस को खेलता देखें तो मेंडिस को लीजिए, मेंडिस ना खेला तो एवर्सन को लीजिए, ठीक है। और अगर मैं आपसे एक बात कहनी थी, अगर बोटाफोगो के 5 डिफेंडर खेले, मान लीजिए टेलस, बेस्टोस, क्यूबैनो, अगर सारे खेले 5 खेले तो फिर आप अल्माडा को निकाल देना और अपना चौथा डिफेंडर ले लेना। तो ये मेरी टीम है। कप्तान की बात करें तो मेरा जो कप्तान है वो है एल हेनरिक, वाइस कैप्टन आई जीसस को रखने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए शेवरिनो का एक ऑप्शन है। ये है आप लोगों के लिए सेफ टीम, जो लोग सेफ खेलते हैं, ये है आप लोगों के लिए एक रिस्की टीम, जो लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं। आपके मैसेज आ रहे थे मुझे टेलीग्राम पे कि दो ऑप्शन दिया करो, एक रिस्की एक सेफ, तो शेवरिनो सेफ है, दिस इज़ रिस्की। तो ये रही मेरी टीम, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।